नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात। इस वीडियो में तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों का फल। तुला राशि, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी, लोगों में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आज लोगों से मिलना जुलना रहेगा, मित्रों का संग साथ प्रसन्नता देगा, नए लोगों से भी मुलाकातें होंगी। अपनी सेहत का आज ध्यान रखें, बदलता मौसम सेहत बिगाड़ सकता है। यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं, अचानक आर्थिक लाभ भी संभावना बढ़ेगी। आज किसी व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें, टकराव को मुस्कुराकर दरकिनार करें। दाम्पत्य जीवन में आज बहुत धैर्य रखें, किसी भी कहासुनी व विवाद टकराव को टाल दें। शुभता का प्रतिशत है 70। वृश्चिक राशि, आज का दिन मिश्रित फलदायी होगा। कुछ क्षेत्रों में स्थिति ठीक ठाक है तो कुछ क्षेत्रों में निराशा की स्थिति रहेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, घर परिवार में वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें। कहीं यात्रा के योग भी बन रहे हैं, माता से धन लाभ भी संभव है। आज घर मकान भूमि वाहन में लाभ की स्थिति दिखती है, या इन क्षेत्रों में किए जा रहे आपके सभी प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक निवेश आज टाल दें तो बेहतर रहेगा। कोई नया कार्य भी अगर शुरू करने जा रहे हैं तो उसे बड़ी सावधानी पूर्वक करें। वाद विवाद से बचकर रहें, वाणी व व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र भी ठीक ठाक है। शुभता का प्रतिशत है 60। धनुराशि, आज का दिन अच्छा गुजरेगा, सुख शांति तो रहेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र की भागदौड़ व कार्य की अधिकता का तनाव मन खिन्न कर सकता है, अतः तनाव को हावी न होने दे। घर कुटुंब में व्यवहार व वाणी पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में स्थिति ठीक ठाक रहेगी, अचानक आर्थिक लाभ भी संभव है। आज का दिन धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिहाज से भी बेहतर होगा। आज अपना कुछ वक्त किसी धार्मिक स्थल व सामाजिक क्रियाकलापों में भी लगाएं। आज लोगों का सहयोग आपको आर्थिक लाभ देगा। आज थोड़ा धैर्य से काम लेने की भी जरूरत है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। शुभता का प्रतिशत रहेगा 70। मकर राशि, आज का दिन निराशावादी व असंतोष की मना स्थिति रहेगी, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, निर्णय करने में दिक्कत महसूस करेंगे, पारिवारिक समस्याओं में भी उलझ सकते हैं। आज यात्रा के प्रबल योग हैं और खर्चों में बहुत बढ़ोतरी रहेगी। व्यर्थ के वाद विवादों में न उलझें तो बेहतर होगा। आज आर्थिक निवेश से भी बचें, यात्रा टाल दें तो अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन तो सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता कायम रहेगी। शुभता का प्रतिशत है 55। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ के योग हैं, धार्मिक कार्यों की में संलग्नता रहेगी, नए आर्थिक या आय के स्रोत विकसित होंगे, कार्य क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है, कोई शख्स आज आपको आर्थिक लाभ करा सकता है, आपके करियर में सहयोग दे सकता है। आज ऊर्जावान रहेंगे लेकिन अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है। हालांकि आज आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में कटुता व तनाव न आने दे तो अच्छा होगा, बुद्धि विवेक से काम लें। शुभता का परसेंट है 80। और अब अंत में बात मीन राशि की। आज का दिन शानदार रहेगा, कार्य क्षेत्र आपका प्रबल रहेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, धर्म अध्यात्म में रुचि जागृत होगी, कार्य क्षेत्र में आज व्यस्तता अधिक होगी लेकिन उससे लाभ भी मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, मित्रों के संग साथ से प्रसन्नता रहेगी। आर्थिक निवेश के लिए भी दिन अच्छा है, भाग्य का सहयोग रहेगा, कोई अच्छी खबर भी सुनने को आज मिल सकती है, थोड़ा खर्चे पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, आज सुखद यात्रा के भी योग हैं। शुभता का प्रतिशत रहेगा 75। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय सियाराम, नमस्कार।